रे 2022 के कई सारे विद्यार्थियों का अभी अंतिम समय चल रहा है और आप लोगों को रिवीजन करने की अभी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि हम रिवीजन करें और हमारी जो प्रिपरेशन का अंतिम फेज़ है उसमें हम बेहतरीन तरीके से अपनी चीज़ों को फाइनलाइज कर लें। ये इस वीडियो में आप जानेंगे, अंत तक अवश्य देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए रहेगी। आप पूरा समझ जाएंगे कि रिवीजन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में आपको किस प्रकार से करना है। एक चीज़ मांगूंगा केवल इन एडवाइस के लिए कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको जब तक आपका एडवांस नहीं हो जाता हम आपको अच्छे से बताते रहें कैसे आपको पढ़ाई करनी है और कैसे नहीं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम केमिस्ट्री की, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर आप सबसे पहले तो रिएक्शंस हो गए, फॉर्मूले हो गए, ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए, वो तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, वो आप अवश्य करें, ठीक है। तो एकेडमिस्ट ऐप पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से अगर आपके खुद के नोट्स हो आप उससे भी रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस है कि आपको सारी जो रिएक्शंस और फॉर्मूले वो टिप्स पे होने ज़रूरी है, ये मेन रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा पीवाईक्यूज़ भी आपको करने चाहिए, ठीक है। पीवाईक्यूज़ तो हमने वापस से पीवाईक्यूज़ आपको सब सब्जेक्ट में करने ही करने हैं, क्योंकि उससे काफ़ी आपको एक आउटलाइन मिल जाती है कैसे सवाल आएंगे। इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग आपको थ्योरी रीडिंग करनी चाहिए नॉन ऑर्गेनिक, जो हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, एनसीईआरटी से उससे बढ़िया कोई रिसोर्स नहीं हो सकता है। और आप ऑर्गेनिक और फिजिकल के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे थोड़ा ध्यान दे सकते हो, क्योंकि देखिए फिजिकल से जो सवाल आएंगे वो आपके न्यूमेरिकल आएंगे प्योरली, है ना, और ऑर्गेनिक में भी जो सवाल आएंगे वो रिएक्शन बेस्ड ज़्यादा आएंगे। अब रिएक्शन बेस्ड सवाल जब ऑर्गेनिक में आता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि उसमें कई सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, है ना। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें आपको पहले तो याद करना है किस टाइप की रिएक्शन होगी, फिर आप उस चैप्टर को रिकॉल करोगे, अच्छा इस चैप्टर मैंने पढ़ा था, उस उतने पे भी इनफ नहीं होता है। फिर आपको कार्बोकैटायन अगर रीअरेंजमेंट है वो करानी है, अगर आपको रेजोनेंस के बारे में सोचना है, एरोमेटिसिटी के बारे में सोचना है, वो एक अलग कंसिडरेशन हो जाती है, ओके। तो इस तरह की 100 तरह की कंसिडरेशन ऑर्गेनिक में आती है जो आप केवल थ्योरी से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस का बेस्ट सोर्स एज हमने डिस्कस किया है पीवाईक्यूज आप करें, बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ये तीन चीज़ों से आप मेनली रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यूज हो गए आपके, आपके थ्योरी हो गई स्पेशली एनसीईआरटी, और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी रहेगी फिजिकल और ऑर्गेनिक में स्पेशली, जो आप पीवाईक्यूज के पार्ट में भी कवर कर सकते हो और चाहो तो एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो। आपको फॉर्मूले और रिएक्शन याद करने के लिए नोट्स चाहिए तो फ्री नोट्स एकेडमिस्ट ऐप पर अवेलेबल रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आपसे हम कुछ नहीं मांगेंगे, फ्री है वो नोट्स। अगर कुछ देना चाहते हो आपको एक अच्छी 5-स्टार रेटिंग रिव्यू दे देना बस, अगर आप चाहो तो। अब बात करते हैं हम मैथमेटिक्स में क्या करना है। तो देखिए केमिस्ट्री का रिवीजन अगर आप नोट करेंगे, मैंने आपको मेनली थ्योरेटिकल चीज़ें बताई हैं कि रीडिंग पे आपको ध्यान देना है ज़्यादा, मैथमेटिक्स प्योरली अपोजिट रहेगा। मैथमेटिक्स के अंदर आपको प्योरली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ठीक है। आप ऐसा ना करें कि मैथ्स में थ्योरी पढ़ने बैठ जाए, आपको प्योरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो पाए, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कहीं से भी उठा के कुछ भी अजीबोगरीब कैलकुलेशन डाल देगी और आप उलझ जाओगे, है ना। तो उसके लिए उसके खिलाफ इंश्योरेंस केवल यही हम कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो आप अभी वही चीज़ पे ध्यान दें कि सारे चैप्टर्स के अंदर आप जो मेन मेन क्वेश्चन टाइप्स हैं उनके कुछ कुछ क्वेश्चंस करते जाएं। पीवाईक्यूज आर अगेन अ गुड सोर्स, और यहाँ पे भी फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, वो आप याद कर सकते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स में ये दोनों अप्रोचेस काम नहीं करेंगी, क्योंकि देखिए फिजिक्स में क्या होता है, ना तो आप प्योरली थ्योरेटिकल जा सकते हैं और ना ही आप प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड जा सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में कुछ सर्टेन फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है वही आते हैं, स्पेशली जेई मेन में, राइट। आपके 4-5 जैसे फॉर एग्जांपल कॉलिजन्स है, कॉलिजन में 2-3 तरह की बातें ही हो सकती है, वही आती है। रोटेशन है, रोटेशन में भी 3-4 तरह के क्वेश्चन होते हैं, वही आ सकते हैं, राइट, कोई अलग चीज़ नहीं आ जाएगी। थर्मल एक्सपेंशन है, एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, उसको ट्विस्ट कर करके वो डालेंगे। तो यहाँ पे थ्योरी भी आप रीड ना करें, ना ही आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपको यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बेस्ड रिविजन करना चाहिए। अब भाई ये क्या है, तो जैसे आप एच सी वर्मा पढ़ते हैं तो उसके अंदर वर्कड आउट एग्जाम्पल्स नहीं होते, तो उसमें क्या किया जा रहा है, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट भी डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है और क्वेश्चन को करना कैसे, उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है वो भी आपको सिखाया जा रहा है। तो आप उन तरह की चीज़ों को देख सकते हैं, आपके खुद के नोट्स के अंदर आपने कहीं एग्जाम्पल्स वगैरह कर रखे हो या आपने कहीं पे सॉल्यूशंस बना रखे, उनको आप रेफर कर सकते हो कि भाई इस तरह के क्वेश्चन टाइप्स को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये एक डिफरेंट अप्रोच है, याद रखो केमिस्ट्री में हमने थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया, मैथ्स में हमने जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए उतने ही कोशिश की, क्वेश्चंस मैथ्स में कहीं से भी कैसा भी कैलकुलेशन बैठाया जा सकता है, लेकिन फिजिक्स में केवल हर चैप्टर में 5-10 तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। आपको उन 5-10 तरह की टाइप्स को बस पढ़ना है, दिस इज नॉट जेई एडवांस। जेई एडवांस में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, हम अभी जेई मेन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सिंपल सवाल आएंगे, जो टाइप्स प्रिस्क्राइब्ड है उन्हीं से गिना चुना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी आपको फॉर्मूले वगैरह ये सब तो पढ़ना ही है, पीवाईक्यूज यहाँ पे भी आपको करने, लेकिन आप एग्जाम्पल बेस्ड रिवीजन पे ज़्यादा जोर दे सकते हो, ठीक है।
तो ये हुई रिवीजन की बात। और अगर आपको और अच्छे से रिवीजन करना है तो आप हमारे जे 22 क्रैश कोर्स में भी एनरोल हो सकते हो, जिसपे 7 अप्रैल तक 50% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है, कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको जो मैंने ये बातें बताई है उनसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, इस कोर्स के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आपको कोई बैकलॉग क्लियर करनी है वो भी हो जाएगा, रिवाइज करना है वो भी हम करा देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सारा सब, तुम्हारा स्पीड इंक्रीमेंट जो भी करना है ना, सब कुछ एक ही जगह पे हो जाएगा। आप केवल इस कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ें, आपका अप्रैल अटेम्प्ट तो बहुत अच्छा जाएगा ही जाएगा, और साथ ही में स्पेशली मई अटेम्प्ट में तो आप बहुत ही ज़्यादा फोड़ के आओगे, और एडवांस का भी इसके अंदर कंसिडरेशन रहेगा। इस वीक बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे साथ एनरोल हो रहे हैं, बिकॉज लास्ट टाइम रिवीजन आ गया, एंड इट इज़ द बेस्ट रिसोर्स इन इंडिया स्पेशली फॉर लास्ट टाइम रिवीजन, राइट? तो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। 7 अप्रैल तक डेट है, वैसे 7 तक डेट है, आप आज ही एनरोल होकर स्टार्ट कर दीजिए उसको जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब चलिए समराइज कर लेते हैं कि कैसे क्या आपको रिविजन करना है। केमिस्ट्री में मैंने आपको क्या बोला, देखो पहले तो तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर PYQs और शॉर्ट नोट्स ये तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि रिएक्शंस, फॉर्मूले, इक्वेशंस ये सबको याद होने चाहिए सारे चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, तो ये तो फिक्स है, क्या क्या आपका PYQs और आपका ये फॉर्मूले। ओके, फॉर्मूलों के लिए मैं आपको बता दिया, एकेडमिक स्टेप पर शॉर्ट नोट्स आप देख सकते हो, फ्री हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला केमिस्ट्री में आपको थ्योरी बेस्ड रिविजन थोड़ा ज़्यादा करना है, आपको रीडिंग करनी है NCERT की, स्पेशली इन इनऑर्गेनिक। ओके, आप बाकी सब्जेक्ट्स जो है ऑर्गेनिक और फिजिकल उसमें आप थोड़े क्वेश्चन पे भी जा सकते हो, क्योंकि उनमें कई बार क्वेश्चन से अच्छी इनसाइट मिल जाती है। मैथमेटिक्स में प्योरली क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन रहेगा, यहाँ पे आप कोई थ्योरी पढ़ने नहीं बैठेंगे, जितने ज़्यादा सवाल कुछ आप कर सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा, स्पेशली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से। ठीक है, स्पेशली 12th के चैप्टर से, क्योंकि 12th के चैप्टर्स में 11th भी कई बार आ जाते हैं। फिर हमने बात की फिजिक्स में, हमने बोला कि एग्जाम्पल बेस्ड रिविजन आपको करना चाहिए, कि आप एच सी वर्मा बुक हो गई उसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर आप अकेडमिक्स के कोर्स में तो उसमें तो हम कराते ही हैं। ओके, और अगर आप किसी और जगह पढ़ते हैं, आपके पास कोई नोट्स कुछ भी है जिसमें आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन टाइप देखा, उसको खुद से करने की कोशिश की, और फिर उसका सॉल्यूशन पढ़ लिया अगर नहीं आया तो, उससे आपको क्वेश्चन टाइप्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मेन अपना पर्पज ये है कि फिजिक्स में क्वेश्चन टाइप्स हमें आ जाए। ठीक है, तो ये वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई है, इससे आपको इसी तरह की और मैं फ्यूचर में जब वीडियोस बनाऊंगा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो वो आपको मिल जाएंगे। एडवांस तक हम आपकी मदद करेंगे यार, और एकदम IIT फोड़ के जाएंगे। तो यार बता दो कमेंट्स वगैरह में कौन सी IIT जाओगे, थोड़ा कुछ लिखो यार, कॉन्फिडेंस आए तुम्हें भी जीवन में थोड़ा। और अगर आपको कुछ क्वेरी हो या आपको ऐसा कुछ हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोर्सेज का लिंक भी दिया हुआ है। 7 अप्रैल से पहले पहले आपको आना है, जेई मेन प्लस एडवांस वाला कोर्स है, वो हमारा बेस्ट सेलर, सबसे ज़्यादा बच्चे उसमें भी एनरोल हो रहे हैं, एंड लास्ट टाइम रिवीजन में अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हो बच्चों, मिस आउट मत करना, इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स यू विल एवर मेक इनटू योरसेल्फ। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, बाय।